तो जहाँ जगमगाने वाले हैं, तो जहाँ जगमगाने वाले हैं, तो जहाँ जगमगाने वाले हैं, तो जहाँ जगमगाने वाले तो जहाँ जगमगाने वाले हैं, मेरे सरकार आने वाले हैं, और जो अंधेरों में रोशनी कर दे, जो अंधेरों में रोशनी कर दे, और वही तशरीफ भाई वही तशरीफ लाने वाले हैं। और खुद में जाएंगे वफा वाले, खुद में जाएंगे वफा वाले, यानी महबूब किबरिया वाले, खुद में जाएंगे वफा वाले, यानी महबूब किबरिया वाले, और नजदियो देख ले कर्म का सिलसिला सर्वों से लेकर कहकशां तक है, कर्म का सिलसिला सर्वों से लेकर कहकशां तक है, नवाजिश मेरे आका की जमीन से आसमां तक है। कर्म का सिलसिला सर्वों से लेकर कहकशां तक है, नवाजिश मेरे आका की जमीन से आसमां तक है, और गुलाबों की महक बागीचों तक महदूद है, लेकिन मेरे सरकार की खुशबू मकानों लामक है। वाह वाह वाह, मेरे सरकार, मेरे सरकार की खुशबू भाई बाबा मकानों लामक अच्छा है। वाह वाह, कर्म का सिलसिला जर्रों से लेकर कहकशां तक है। आप जानते हैं आज उर्से निजामी है, और हम हजरत अल्लाह खतीब उल बराहीन हजरत अल्लामा मुफ्ती सूफी अलहाज निजामुद्दीन साहब तुगला अलैहि रहमतु रिजवान को क्यों चाहते, वजह क्या है तो सुन लो। जो बशर दिल से गुलामे मुस्तफा हो जाएगा, जो बशर दिल से गुलामे मुस्तफा हो जाएगा, दोस्तों सारा जहां उस पर फिदा हो जाएगा, दोस्तों सारा जहां उस पर फिदा हो जाएगा, और मेरे आका की शफाअत का करिश्मा देखकर, मेरे आका की शफाअत का करिश्मा देखकर हर जबा पर हश्र में सल्ले अला हो जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हर जबा पर हश्र में सल्ले अला हो जाएगा, और कर्बला में, कर्बला में हजरत शफी का ऐलान था, कर्बला में हजरत शफी का ऐलान था, ये नबी का दीन है कैसे फना हो जाएगा, ये नबी का दीन है
सुन्नी है तो वहाबी को अपना मत समझ। तू अगर सुन्नी है तो वहाबी को अपना मत, तू अगर सुन्नी है रसूल कुल्लियों को अपना मत समझ। क्यों? अरे जो न हो पाया नबी का क्या तेरा हो जाए। बाबा बाबा, जो न हो पाया नबी का क्या तेरा हो जाए, क्या तेरा हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, सारा जहां उस पर फैदा हो जाएगा। बात क्या है, बात क्या है कि यार जहां भी अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता है, बुजुर्गों का जिक्र होता है, अहले सुन्नत वल जमात वहां पहुंचती नजर आती है, लोग इकट्ठा हो जाते हैं। देखिए उलमा का मजमा, इनके नूरानी चेहरे को आप देखें, इकट्ठा है। क्यों? अल्लाह उसके रसूल और बुजुर्गाने दीन का जिक्र है। जहां रोजाना इंसान की एक फितरत होती है, वो फितरत क्या है कि पुरानी चीजों से उठता जाता है, उसे बेचैनी हो जाती। मान लो ये बहुत अच्छी निजामत कर रहे थे, शेर पढ़ रहे थे, बड़ा अच्छा लगा आपको, आपने कहा दोबारा जरा रिपीट कीजिए, उन्होंने दोबारा पढ़ दिया। किसी को बहुत अच्छा लगा तो कहा तीसरी बार पढ़। तो दिन के बाद कहोगे क्या यार, नाजिब जलसा वही एक शेर बार बार बैंड बजा रहे हो। अरे कोई नई चीज लाओ, कोई नई चीज लाओ, लोगों का एक रुझान है एक ही चीज पर। और आज तो लोग हम लोगों को यहां तक कहते हैं ये बरेलवी है। खुदा की कसम अब्दुस्सलाम निजामी ऐलान करता है, हमें बरेलवी होने पर फख्र है, बरेलवी होने पर फख्र है हमें। कहते हैं बरेलवी होते हैं और मदीने पे जाके खत्म हो जाते हैं। हमने कहा बेवकूफ है, हम मदीना शरीफ से शुरू होते हैं, कर्बला पर खत्म होते हैं। इसलिए इस्लाम मदीना शरीफ से चला है और उसे ताकत मिली है कर्बला में, इसलिए हम चलते वही खत्म हो जाते हैं। बार बार वही ये सुन्नी जब देखो तब अल्लाह उसके रसूल का जिक्र, तुम्हारा दिल नहीं चाट होता। तब मैं उस बुड्ढे से पूछा, बुड्ढे तू खाता क्या है? कहा रोटी। हमने कहा उम्र क्या है? कहा 55 साल से। हमने कहा पीता क्या है? कहा पान। हमने कहा कितने साल से? कहा 55 साल। हमने कहा बड़ा बेकार है, गेहूं की रोटी 55 साल से खा रहा, तू लुटाया नहीं। एक ही नल से 55-60 साल से पी रहा, तुझे घबराहट नहीं था मौलाना? अगर मैं वो खान रोटी और पानी छोड़ दूंगा तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, क्योंकि रोटी और पानी मेरे जिंदगी की बुनियाद है। तवज्जो चाहूंगा, रोटी और पानी मेरे जिंदगी की बुनियाद है। हमने कहा सुन बतती दे, अगर रोटी और पानी तेरे जिंदगी की बुनियाद है तो हम अहले सुन्नत वल जमात के लिए नबी का जिक्र मेरे ईमान की बुनियाद है, मेरे निजात की बुनियाद है, मेरे बुलंदी की बुनियाद है, मेरे जन्नत में जाने की बुनियाद है। अरे तू अपनी बुनियाद को नहीं छोड़ सकता तो हम अहले सुन्नत वल जमात अपनी बुनियाद को नहीं छोड़ सकते। तुझे तेरी बुनियाद मुबारक हो, हम सुन्नियों को हमारी बुनियाद मुबारक। बहुत अच्छे, बहुत जज्बान ला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से निजामी, सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। आप जान लो बहुत खुली गुफ्तगू करना चाहता हूँ, है ना, क्योंकि सुन लो हम काम कोई देश में जाली नहीं करते, हम काम कोई देश में जाली नहीं करते और खाली किसी गरीब की थाली। बोलो यार, बीच में है क्या कुछ लोग? ये शक है, शक होने लगता कि तू इतना डरते क्यों है लोग? बात सुन लो, हम काम कोई देश में जाली नहीं करते और खाली किसी गरीब की थाली नहीं करते, और अब्दुल हमीद भर के उड़ा देते हैं खुद को, हम लोग हुकूमत की दलाली।
हलाली नहीं करते, इसलिए सुन लो। आज जानते हो उर्स है हुजूर खतीबुल पराहीन का कितना प्यारा लफ्ज़ है, आज तक किसी को मिला नहीं। आप गौर फरमाए, आज लिबासे खतीबुल पराहीन तो दिखता है तवज्जो चाहता है, लेकिन खतीबुल पराहीन कहीं नजर नहीं आती। ये बात से गौसिया तो दिखता है लेकिन गौसे आजम नजर नहीं आते, समझे। लिबासे ख्वाजा मोइनुद्दीन तो दिखता है लेकिन ख्वाजा मोइनुद्दीन दिखते नहीं। और आज अल्ताफ का आलम है, उलमा से बड़े अल्ताफ इनके पास। अब अगर ढूंढने लगो तो कोई लकब बचेगा, सैयदुल फुकहा, सैयदुल मुफस्सिरीन, वो फला एक लकब बचा था शेर, तो वो शेर हिंद हो गया, फिर शेर स्टेट हो गया, फिर शेर जिला हो गया, फिर शेर गली, फिर हर घर में एक शेर। उलमा इकराम से तवज्जो, अगर वो दिन दूर नहीं, अगर यही हाल रहा, जब अल्काब नहीं मिलेंगे तो जानते लोग क्या करेंगे, बिहार का है तो कहेंगे भाई से बिहार आ, बकरे यूपी आ रहा है, मगर मच्छे महाराष्ट्र आ रहा है, भालुए कश्मीर आ रहा है। बात क्या है, बात क्या है, अबू बकर आप तक सिद्दीक अकबर, बात क्या है, हजरत उमर आज तक फारूक आजम है, बात क्या है, हजरत उस्मान आज तक घनी है, बात क्या है कि हजरत अली आज तक मौलाए कायनात है, बात क्या है कि अब्दुल कादिर आज तक गौसे आजम है, ताजो का है, बात क्या है कि मोहम्मद हसन आज तक गरीब नवाज है, बात क्या है कि इमाम अहमद रज़ा फासले बरेली आज तक आला हजरत है, बात क्या है कि हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ताजदार अहले सुन्नत है, बात क्या है कि हुजूर शरिया है, बात क्या है कि हुजूर निजामुद्दीन आज तक खतीबुल पराहीन है, वजह क्या है, इन्हें मुरीदीन ने नहीं बनाया है, इन्हें रहमतुल्लिल आलमीन ने, वाह बात है, वाह वाह वाह, इन्हें रहमतुल्लिल आलमीन ने बनाया है, जिसे वो बनाते वो कयामत तक चले, जिसे मुरीदीन बनाते जब तक मुरीद है तब तक।